अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फॉर्मल लाइव। देखते हैं आज हमारे पास कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ है। बात करेंगे, पाकिस्तान में रिसेंटली डब सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो कि जितने भी स्टोलन मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मगल फ़ोन्स हैं, उनको ब्लॉक किया जाएगा। एंड हमारे पास है सऊदी अरब में जितने भी रहने वाले हैं वो स्नैपचैट के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा यूज़र्स वहाँ पर पाए जाते हैं। एंड है हमारे पास गैलेक्सी नोट 9 का एक टीज़र जो कि बैटरी से रिलेटेड है। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे डब सिस्टम के हवाले से, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। एंड ये पीटीए का प्रोजेक्ट था जो कि स्पेशली से लॉन्च किया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी मार्केट में आप मोबाइल मार्केट में जाते हैं तो आपको इस तरह स्मगल फ़ोन अगर नज़र आते हैं, या कुछ लोग परचेज़ करते हैं, या स्टोलन मोबाइल हैं जो कि चोरी शुदा होते हैं और वो आगे बेच दिए जाते हैं, तो इस तरह के तमाम जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं तो उन तमाम फ़ोन्स को IMEI के थ्रू ब्लॉक किया जाए। लेकिन इस सिस्टम को जैसे ही पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है तो इसने काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। एंड अब तक जितने भी इलीगल हैं, या जितने भी स्टोलन हैंडसेट हैं, या जितने भी स्मार्टफोन्स हैं इस तरह के, वो ब्लॉक किए जाने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। और पीटीए का मेन फोकस ही यही था, और जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एंड कस्टम अथॉरिटीज़ हैं उनका यही फोकस था, उनका यही एम है, और ये एक चैलेंज था उनके लिए कि इस तरह के मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक किया जाए। तो इसलिए पीटीए की तरफ से ये डर्ब सिस्टम स्पेशली लॉन्च किया गया ताकि जितने भी ये स्टोलन एंड नॉन टाइप अप्रूव मोबाइल फ़ोन्स हैं इनको डिटेक्ट किया जा सके। और इसके अलावा जितने भी स्मगल फ़ोन हैं या जितने भी अदर सिम बेस्ड डिवाइसेस होती हैं उनको। पहले बात करते हैं माइलस्टोन कितना अचीव किया है। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो अब तक 1.25 मिलियन हैंडसेट्स को ब्लॉक किया जा चुका है और रिपोर्ट दी जा चुकी है इनके हवाले से। पीटी की तरफ से ये सिस्टम सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है क्योंकि इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो कि जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई हैं, क्योंकि जितने भी अब फ़ोन होंगे, यानी कि जितने भी फ़ोन आएंगे पाकिस्तानी मार्केट में, तो उनके तमाम एक वैलिड IMEI नंबर्स होंगे, यूनिक होंगे ऑफकोर्स, तो उसके थ्रू ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है उन तमाम फ़ोन को कि वो इलीगल हैं या स्मगल्ड हैं। एंड इसके साथ इसका एक और फ़ायदा भी है इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है जो पाकिस्तान में, कि जितने भी मोबाइल ब्रांड्स हैं, अगर मैं इंटरनेशनल बात करूँ तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा पाकिस्तानी मार्केट ग्रोथ करेगी। वेल व्यूअर्स, मज़ीद डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। व्यूअर्स, अब कुछ बात करते हैं गैलेक्सी नोट 9 से रिलेटेड, जो कि अब तक लॉन्च तो नहीं हुआ लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा रूमर्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है क्योंकि नोट सीरीज़ लवर्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइक सैमसंग का कभी भी कोई नया हैंडसेट लॉन्च होने वाला होता है तो उसके बहुत ज़्यादा हम लोग इस तरह की टीज़र्स देखते हैं। लाइक हम लोगों ने नोट 9 के भी काफ़ी ज़्यादा टीज़र्स देखे हैं। अब जो है कंपनी की तरफ से एक टीज़र रिलीज़ किया गया है जो कि स्पेशली बैटरी के लिए है। लाइक आपको पता है कि सैमसंग की जितनी भी जो बैटरीज होती हैं वो यूज़र्स से सेटिस्फाई नहीं होते, तो अब जो है उनका इस टीज़र में ये बताया गया है और हम लोगों ने देखा है कि ये जो आने वाला हैंडसेट होगा इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की गई है। और टीज़र में यही दिखा रहे हैं कि जब आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं आपकी बैटरी जिस तरह ड्रेन हो रही होती है, और अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, आप उबर या करीब पर भी जा सकते हैं, तो जब आपका बैटरी आपका साथ नहीं देती तो ज़ाहिर है फिर तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं, तो चार्ज करने के लिए टाइम चाहिए। वेल व्यूअर्स, बताने का मकसद ये है कि जो नोट 9 की बैटरी होगी वो 4000 mAh की दी जा रही है, यानी काफ़ी इंप्रूवमेंट के साथ दी जा रही है, और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने फ़ोन की बैटरी की जो ब्राइटनेस है उसको कम करें, अपना वाईफाई ऑफ़ करें, अपना GPS ऑफ़ करें और डार्क मोड पे कर लें। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ही कंपनी की तरफ से जो है ये बैटरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ दी जा रही है। और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 4000 mAh की बैटरी के साथ ये 25 hours तक आपका कंटिन्यूसली वीडियो आपकी चला सकता है, और इसके साथ मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। वेल, देखेंगे कि जब ये हैंडसेट लॉन्च किया जाता है तो ये जो टीज़र रिवील किया गया है इस पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है। वे सब कुछ बात करते हैं स्नैपचैट से रिलेटेड। लाइक स्नैपचैट एक ऐसी ऐप है जिसने एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट किया है जो कि यूथ का, लेकिन स्नैपचैट का कहना है कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है ये ऐप। और इसके अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो सऊदी अरब में 9 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स हैं इस एप्लीकेशन के, और उसमें 55% फीमेल्स हैं, यानी कि सऊदी अरब की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो वो 32 मिलियन हैं। तो इसके हिसाब से 9 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स हैं। एंड इसके साथ 2017 में हमने देखा है उसके बाद काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, लाइक 2017 से लेकर अब तक 30% इंक्रीज़ हुआ है स्नैपचैट की यूजेज में। लाइक ये सर्वे था जो कि कंपनी की तरफ से किया गया था 16 कंट्री
कंट्रीज़ का सर्वे था और इसमें सऊदी अरब जो है वो देखने में आया कि काफ़ी ज़्यादा यूजेज है वहाँ पे, एंड इसके साथ स्नैपचैट जो है वो मिडिल ईस्ट से रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा जनरेट कर रहा है जब से ये स्मार्टफोन ऐप जो है वो मिडिल ईस्ट में लॉन्च की गई है। तो इस तरह की न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। वेल, हमें पता चल जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन कितना रेवेन्यू जनरेट कर ली है। अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट करें। व्यूअर्स, इस तरह अप्रिशिएट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए एंड आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोबारा आएंगे IT अपडेट्स लेकर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।